शुरू हो गई मामो। हेलो दोस्तों, और क्या बोलते भाई लोग, वेलकम टू भाई लोग का चैनल लेट्स टॉक फैक्ट्स। अपुन है तुम लोग का एकमेव सर्वस्व फैक्ट दादा। आज अपुन तुम लोग की थोड़ी टरकाने वाला है। बोले तो आज अपुन बात करेंगे यूएई, जिसको अपने यहाँ दुबई बोलते हैं, वहाँ की कुछ खतरनाक भूतिया जगहों के बारे में। आगे की वीडियो बहुत रावस होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। और अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के घंटे को दबाओ, ताकि तुम लोग अपुन की अगले वीडियोस को घंटा भी मिस ना करो। दुबई का नाम सुनते ही अपुन सबके दिमाग में आता है एक नंबर महंगी महंगी गाड़ियाँ, बुर्ज खलीफा, रावस रावस लोग और तेल के कुएं। लेकिन आज अपुन इन सब से हटके कुछ डरावनी जगहों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में सुनकर अच्छे अच्छे शाने लोग की भी ठस जाएंगे। सबकी फाड़ने से पहले तुम सब लोग के लिए एक रापचिक शेर अर्ज कर रहे लो कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो और दिल से दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो भाई लोग, टेंशन मत लो, बस झंडू बाम खरीदो और लगाते रहो। तो चलो मचाना शुरू करते हैं बिना किसी बंकस के। अल जजीरा अल हमरा, द गोस्ट टाउन लोकेटेड इन रासल खेमा। ये भूतिया बस्ती, ऐसा इधर के लोकल लोग इस जगह को बोलते हैं। जब ये एरिया बनेला था तभी इधर बहुत पब्लिक रहती थी, लेकिन अचानक सब लोग इधर से रातों रात कल्टी मार ली। ऐसा कायको किए किसी को कुछ नहीं मालूम, पर लोग इस जगह के बारे में बहुत बात करते। इधर के लोकल लोग इस जगह पे शाम के टाइम पे जाने को मना करते। अगर तुम लोग जिगरा निकाल के इधर पहुंच गए तो देखेंगे कि इधर खाली पड़ेले घर है, खाली बाजार है, और हर जगह ऐसी खाली है जैसी रहने वाले सब लोग की एक साथ कोई वजह से फटी और सब लोग अचानक जैसे का तैसा छोड़ के इधर से वनटास हो गए। प्लस तुम लोग को इधर दिल में ऐसी नेगेटिविटी आएंगी कि तुम लोग का भी मन करेगा कि इधर से फट फट वट जाए। ये जगह दुबई सिटी से सिर्फ एक घंटे की ड्राइव पे। अल कासिमी पैलेस, द हॉन्टेड पैलेस। अपन सब ने ऐसी बहुत सारी पिक्चर देखे ली रहेंगी जिसमें एक भूतिया घर रहता है, जिसमें पूरे परिवार का भूत है और वो मिलकर सब आने जाने वाले लोगों की फाड़ते रहते। ये जगह भी वही टाइप की है। याउम खर्चा करके इधर के रॉयल भाई लोग ने इस जगह को बनाए, पर कुछ टाइम बाद इसको खाली करके कट लिए। आसपास रहने वाले गोर गरीब लोग बोलते हैं कि इधर रात को बच्चे लोग के चीरान करने की आवाज आती रहती है। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने कुछ बच्चों को महल की खिड़की से झाकम झाकी करते देखे, पर असलियत में इधर कोई रहता ही नहीं, ये एकदम फुल टू खाली वीराना महल है। ये जगह दुबई की टॉप भूतिया जगहों में से है जो मेन सिटी से सिर्फ आधे घंटे के ड्राइव पे ही है। द टनल इन पैन एमिरेट्स, टनल ऑफ द डार्क। टनल बोले तो गुफा। दुनिया की ऑलमोस्ट सब गुफा में कुछ ना कुछ भूतिया मचांड है, क्योंकि हर गुफा में काला अंधेरा रहता है और अंधेरे का दूसरा नाम बोले तो भूत। इधर के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इधर से निकलते टाइम बहुत लोग ने अलग अलग टाइप के भूत देखे ले, पर ये भूत एकदम शांत है, जो किसी के भी कान में उंगली नहीं करते। उन लोग अपना आपस में ही मचाते रहते। अल खेल गेट, द स्कैरी अपार्टमेंट। सब दुबई में रहने वाले बंटाई लोग को ये बात पता होगी कि इधर 50 नंबर की बस डायरेक्ट जाती है इंटरनेशनल सिटी से। ये एरिया की एक बिल्डिंग में एक फ्लैट है जिधर बहुत सारे भूत भीत रहते। इस घर में जो भी रह के गए है वो लोग बोलते हैं कि घर में रहते टाइम अचानक घर का सामान गायब हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद वापस भी आ जाता है। शायद इस घर के भूत लोग सामान भाड़े वाड़े पे देके पैसे कमा रहे होंगे। इसके अलावा इस घर में अकेले रहने वाले अराउंड 3 अलग अलग लोग ने बैक टू बैक सुसाइड कर लिए लेते। शायद भूत लोग ने सामान के भाड़े में से हिस्सा नहीं दिया होगा और गरीब लोग डिप्रेशन में आके टपक गए। बिल्डिंग के ओनर ने ये सब भंका से बोल के बिल्डिंग को अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड लगा के बंद कर डाले। ये जगह दुबई की मेन सिटी में ही। जुमेरा, हाउस ऑफ द डेविल। जुमेरा बोले तो इधर का अपने मुंबई में कोलाबा जैसा पॉश एरिया। इधर सब बड़े बड़े अमीर शाने लोग रहते। ऐसी धूमधड़ाका जगह के बीचों बीच में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है बिल्डिंग नंबर 4। इसमें 7 बेडरूम का मजबूत बड़ा फ्लैट है जिसमें जाके रहने से सबकी फटती है। 2011 में इस फ्लैट में 7 फिलिपिनो बंटाए लोग रहते थे और एक एक करके सबके दिमाग की सेटिंग सत्यानाश हो गई और सब घर छोड़ के कमती हो गए। आजू बाजू रहने वाले लोग भी बोलते हैं कि इस घर के अंदर कुछ तो कुछ ही, इसलिए इसमें जाके रहने की शान पत्ती कोई नहीं करता।
तो कैसी लगी वीडियो लोग, तुम लोग को अपुन की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताना। अगले वीडियोस में ऐसी पटेली करते हुए और भी कुछ फाड़ू बातें बताऊंगा। जाते जाते तुम सब एक नंबर पब्लिक के लिए एक और शेयर अर्ज कर रहे लो कि कदम कदम पर हवा की आवाज का ध्यान रखना, मुश्किल समय में भी इस शाने दोस्त को याद रखना। अपुन की यादों की खुशबू हमेशा आती रहेंगी, तुम लोग बस अपनी नाक साफ रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धूम मचाते रहो। जय हिंद।